उसका एक डिस्ट्रक्शन का प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में लगभग 1000 साइलेंसर पाइप को एक बुलडोजर के द्वारा इसको क्रश करके इसको डिस्ट्रॉय किया गया। ये एक सिंबॉलिक एक्ट था और इसमें हमारे सिटी पुलिस के तरफ से एक मैसेज गया कि जो भी लोग गलत साइलेंसर यूज़ करते हैं उनको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत फाइन होगा, और अगर रिपीटेड वायलेशन करते हैं तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ऐसे मौके पे पूरे जो मैकेनिक हैं, जो शॉप्स हैं जो इस तरह के सामान रखते हैं, उनको भी मैं सजेशन देता हूँ दैट आगे से अगर उनके खिलाफ रिपोर्ट मिला तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उनको भी कोर्ट में लाकर खड़ा किया जाएगा। साउंड पोल्यूशन से हॉस्पिटल एरिया में पेशेंट्स को तकलीफ होती है, नॉर्मल एरिया में भी रात को लोग सो नहीं पाते हैं, और ख़ास करके बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है, और नॉर्मल से भी लोगों को भी 65 डेसिबल से अगर ज़्यादा साउंड पोल्यूशन रहता है तो लॉन्ग टर्म में कॉन्सेंट्रेशन, मेडिकल, मेंटल प्रॉब्लम भी होने का चांस रहता है। इसीलिए खास करके जो नए बुलेट मोटरसाइकिल लोग खरीद रहे हैं, आज 90% डिफॉल्टर बुलेट मोटरसाइकिल वाले ही दिखे, तो ये सिनेमा का गलत इम्पैक्ट लग रहा है। कुछ सिनेमा में देख के ये लोग गलत लाइन पे जा रहे हैं। सिनेमा से अच्छी चीज़ को सीखिए, सिनेमा में अच्छी चीज़ भी दिखाई जाती है और ख़राब चीज़ भी दिखाई जाती है, तो आप केवल अच्छी चीज़ को सीखिए, ख़राब चीज़ को नहीं सीखिए। थैंक यू। वानपल्ली नागसाई अने व्यक्ति गतंलो